नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर रोड स्थित अगरबत्ती कारखाने में अज्ञात चोरों ने कीमती सामान किया चोरी, पीड़ित ने सदर कोतवाली में दी तहरीर। कन्नौज शहर के हरिनगर मोहल्ला निवासी प्रदीप कुमार पुत्र अनूप कुमार ने शुक्रवार को सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि गुरुवार की रात पीड़ित के सुल्तानपुर रोड स्थित अगरबत्ती कारखाने में अज्ञात चोरों ने दीवार में सेंध मारकर कारखाने में रखा स्टेबलाइजर, दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे, एक प्लास्टिक टंकी समेत अन्य सामग्री चुरा ले गए। सुबह होने पर पीड़ित को जब घटना की जानकारी मिली तो उसके होश उड़ गए। आनंद फानन में पीड़ित ने मामले की सूचना डायल 112 को दी। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने जांच पड़ताल की सदर कोतवाली में अज्ञात चोरों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अभी कोतवाली आए, पूरा मामला क्या है? हमारे कारखाने पर दो जगह से दीवार काट करके स्टेबलाइजर और दो बोरे हम सामग्री निकाल लिए और एक नीली टंकी प्लास्टिक की निकाल ली गई। आपको जानकारी कैसे लगी? सुबह जब हम कारखाना खोलने गए तो वहाँ पर दीवार टूटी हुई थी। इस मामले लेके आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, अब हम 100 नंबर पर फ़ोन किया था, उन्होंने यहाँ बोला कि कोतवाली में एप्लीकेशन दीजिए, हम यहाँ कोतवाली में एप्लीकेशन देने आए हुए। मौके पर पुलिस पहुँची थी? हाँ, मौके पर पुलिस पहुँची थी। ये कहाँ की घटना है? ये मोहल्ला राराबारी की।